सो अभी बाइक निकालते हैं। ये है द ऑल न्यू NS 200। चलो इंजन ऑन। सो हे गाइस, गुड आफ्टरनून। और आज दोपहर को थोड़ा राइड पे निकला हूँ, क्योंकि आज मेरा बाइक का मतलब अपना नहीं है, अपने साले साहब का ये बाइक खरीदा हुआ ऑलमोस्ट 10 दिन हो चुका है। तो 10 दिन हो चुका है और नंबर प्लेट भी आ चुका है, तो वो नंबर प्लेट लगाने के लिए मैं शोरूम पे जा रहा हूँ। और आजकल मतलब ये 2 दिनों से ना सिलीगुड़ी का वेदर कुछ ऐसा ही होके रखा है, मतलब सुबह धूप और अभी देखो एकदम बारिश का मौसम। तो बाइक का रिव्यू करते हैं। तो बाइक में भाई ये जो नया NS 200 है वो चलाने में काफ़ी मज़ा आता है, और इसका जो राइडिंग पोजीशन है वो तुम लोगों को पता है, जो लोग NS यूज़ करते हैं खास करके उसका राइडिंग पोजीशन एकदम सही है। थोड़ा सा सामने की तरफ हम लोग को झुकना पड़ता है। और मैंने भाई मेरा तो 4 साल हो गया, 4 से 4.5 साल हो गया अपना NS 200 चलाते हुए, लेकिन आज तक ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि कमर दर्द हो रहा है, सामने हाथ दर्द हो गया, ठीक है, ऐसा कोई बात ही नहीं है। सो नई बाइक है इसलिए गियर शिफ्टिंग काफ़ी स्मूथली हो रहा है। और डुअल चैनल ABS के कारण तो भाई इसका ब्रेकिंग तो काफ़ी बढ़िया हो गया, काफ़ी। और इसका भाई शॉर्ट पिकअप बहुत ही अच्छा है, एकदम से 60 पकड़ लेता है। और इसका जो ये गियर इंडिकेटर है ना, गियर पर जो गियर इंडिकेटर जो यहाँ पे डिस्प्ले में शो हो रहा है वो काफ़ी अच्छा है, मतलब आप कितनी गियर पे बाइक चला रहे हो ये आपको पता चल जाएगा। और वैसे भी जो लोग चलाते हैं उन लोगों को पता ही है कि अभी 2 गियर में डाला या 3 गियर में डाला, लेकिन कभी कभी ये फिर भी बहुत ही अच्छा फीचर्स है, मतलब ये जो दिया गया है और जो कि अपने BS4 NS में नहीं है। और अभी मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि स्लिपर क्लच काम कैसे करता है। ये जो नया वाला NS है तो सभी को कंफ्यूज है। मैंने तो प्रैक्टिकली अपने पिछले वाला वीडियो में मैंने जस्ट यहाँ पे दिखाया कि बजाज ने ऑफिशियली मेंशन तो नहीं किया, लेकिन उसका जो मैनुअल बुक है उसमें ज़रूर मेंशन किया हुआ है कि स्लिपर क्लच इस बाइक में दिया हुआ है। तो वो मैं अभी आप लोगों को प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। सो स्लीपर क्लच अभी मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली करके बताता हूँ। और ये मैंने गियर अप किया सडनली, तो अभी देख ही सकते हो सामने एकदम 6 गियर पे है। तो अभी जस्ट इसको मैं गियर डाउन करूंगा। मैंने स्मूथली गियर डाउन किया बारी बारी पर, एकदम जल्दी इसको मतलब जस्ट डाउन टू डाउन मैंने किया अभी इसको, लेकिन भाई बिल्कुल भी इसका जो शेक है शेक नहीं किया। तो ABS का ब्रेकिंग आप लोग देख ही रहे हो कि कितना अच्छा है, एकदम फटाक से ये इंस्टेंटली रुक जाता है।
बहुत फास्टली मैंने गियर डाउन किया, लेकिन भाई बिल्कुल भी पीछे का जो पहिया है, पीछे का टायर बिल्कुल भी हिल नहीं रहा है, एकदम अपनी जगह पर है। और काफ़ी मतलब वैसा कुछ फील नहीं होता कि भाई गिर जाएंगे या फिर बाइक एकदम से लॉक हो गया, ऐसा कुछ फील नहीं है। जस्ट मैं अपनी पोजीशन पे एकदम सही था। और इधर तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है जोरों की, बारिश में भी ABS काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। नंबर प्लेट आ चुका है मेरा, से ऊपर जाइए कैश काउंटर, इससे बाहर से। फाइनली नंबर प्लेट तो मिल चुका है, अभी लगाने की बारी है। पीछे का नंबर प्लेट लग चुका है, एक्स्ट्रा करके पीछे एक प्लेट दिया गया है। इसके पीछे आप लोग देख ही रहे हो, एक वाइट प्लेट दिया गया है, उसके ऊपर ये चिपकाया गया है ताकि मजबूती बना रहे। बाद में एक साल बाद या कुछ महीनों बाद ना ये क्या होता है ना, अगर इस नॉर्मली नंबर प्लेट और ये प्लास्टिक कवर के साथ आप लगाओगे तो क्या होता है, ज़्यादातर ये हिल जाता है चलते चलते, ये इसमें लूज़ हो जाता है और ये आवाज़ करने लगता है, वाइब्रेट करने लगता है। लेकिन पीछे एक वाइट कलर का ये देखो, ये पत्ती डाला गया है ताकि ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने और लूज़ भी ना हो। वो देखो भैया अभी पीछे वाइट वाला पत्ती लगाया है। रिपीट लगा दिया, बस अभी रिपीट से बस एकदम सेंटर पे हुआ है। चलो काम फिनिश। सो सामने पीछे नंबर प्लेट लग चुका है, और ये बारिश का मौसम ना भाई बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये एकदम अभी छोटा सा पहाड़ यहाँ पे चढ़ना पड़ेगा। इस बाइक का शॉर्ट टर्न काफी अच्छा है, बहुत जल्दी पिकअप ले लेता है। सो स्लीपर क्लच भाई मैं कहता हूँ कि 100% स्लीपर क्लच है, और वैसे भी स्लीपर क्लच का उतना तो मुझे ज़रूरत नहीं लगता है कि स्लीपर क्लच बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, ऐसा कुछ मुझे लगता नहीं है। नॉर्मली आप लोगों को अगर कोई मान लीजिए आपको अगर स्टंट करना है, व्हीली वगैरह करना है, तो उस हिसाब से आप लोगों को ये काम आएगा। जैसे हम लोग पहाड़ों में जाते हैं हाँ, तभी जैसे ही ऐसा शॉर्ट टर्न हम लोग को या राइट टर्न या लेफ्ट टर्न लेना होता है तो तब काम आता है, लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं है, उतना मतलब क्या बोलूँ इसको, उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। मतलब नॉर्मली अगर कोई भी बाइक हो ना तो चल जाता है, उतना ज़रूर स्लीपर क्लच का उतना कोई ज़रूरत है नहीं है। लेकिन जो भी हो, इस बाइक में स्लीपर क्लच दिया हुआ है, तो भाई बहुत जल्दी ना अपने चैनल का 1K सब्सक्राइबर होने वाला है, और मैं बहुत जल्दी बहुत सारा वीडियो इस बाइक के रिलेटेड मैं बनाने वाला हूँ। और ये रोड देख ही सकते, ये थोड़ा उबड़ खाबड़ रोड है, पत्थर वाला रोड है, लेकिन इसमें भी आप लोग देख ही पा रहे हो कि हैंडलिंग कितना बढ़िया हो रहा है, और सच में भाई काफ़ी स्मूथ है और ज़्यादा शेक फील नहीं होता है। और USD फोर्क सस्पेंशन दिया हुआ है, इसी के कारण तो काफ़ी अच्छा हो गया है। तो आई होप शायद मैं बहुत अच्छे से मतलब बाइक का रिव्यू मैं ऑन रोड में कर नहीं पाया, तो जो भी हो भाई जैसा भी हो एडजस्ट कर लेना। मैं बाइक रिव्यू पहले करता नहीं था और अभी कर रहा हूँ,
तो प्लीज़ मुझे थोड़ा सपोर्ट करना, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, एंड भाई साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर कर देना। और जो लोग भाई अपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत जल्दी अपना जो है 1K सब्सक्राइबर होने वाला है। जो भी आपसे मैं बाइक रिलेटेड जो भी वीडियो है मैं डालता रहूँगा, और जितना भी वीडियोस मैं डालूँगा आई होप कि सभी के लिए वो हेल्पफुल रहेगा। सो मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में। सो नंबर प्लेट तो बाइक में इंस्टॉल हो गया है, और साथ ही साथ इसका एक गुड न्यूज़ है, मतलब ये एक साल के लिए अभी ये नंबर प्लेट इंस्टॉल हो गया, RCV लगभग 15 से 20 दिनों के अंदर आ जाएगा। और एक बात है, इसका जो पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन भाई एक साल के लिए फ्री है। मैंने अभी जब सर्च करके देखा, उन्होंने शोरूम से भी बोल रहा था, इसका जो पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन पेपर अभी एक साल के लिए बनाने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है, एक साल बाद उसको पॉल्यूशन पेपर बनाना पड़ेगा, लेकिन एक साल के लिए इसका पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बिल्कुल फ्री है। तो चलते हैं एंड मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में।